हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टैबलो हिंदी। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डायमेंशनल फिल्टर्स के बारे में। तो बिफोर डाइविंग डीप इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस देखेंगे फिल्टर्स के बारे में। इससे पहले अगर आपको आपने हमारा प्लेलिस्ट फॉलो किया होगा तो हमने डेटा सोर्स फिल्टर्स कवर किया था। एक्सट्रैक्ट फिल्टर्स हम बाद में कवर करेंगे, बट द मेन थिंग डेटा सोर्स फिल्टर हमने कवर किया था। उसके बाद ऑपरेशन के ऑर्डर में आता है कॉन्टेक्स्ट फिल्टर, फिर आता है डायमेंशन फिल्टर्स। हम लोग कॉन्टेक्स्ट फिल्टर अगले वीडियो में या दो तीन वीडियो के बाद कवर करेंगे, पहले हम डायमेंशन फिल्टर्स को कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फिल्टर एक टाइप का डायमेंशन फिल्टर ही है। तो अगर हमें कॉन्टेक्स्ट फिल्टर्स को समझना है तो डायमेंशन फिल्टर्स हमें समझना इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा एक ऑर्डर हायरार्की है, मतलब सबसे पहले अगर एक्सट्रैक्ट फिल्टर होगा तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, फिर डेटा सोर्स फिल्टर को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर कॉन्टेक्स्ट फिल्टर को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर डायमेंशन फिल्टर को प्रायोरिटी मिलेगी। तो ऐसे करके एक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है जो कि आप टैबलो के एक ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डायमेंशन फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बड़ा ही सिंपल काम किया है, अपना ऑर्डर्स टेबल को ड्रैग करके कैनवास में पुट कर दिया है सैम्पल सुपर स्टोर्स का, और अब मैं शीट नंबर 1 पे जा रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि कैसे आपको ऑर्डर्स डायमेंशन फिल्टर यूज करना है। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि व्हेनेवर आप टैबलो के एक डैशबोर्ड पे काम करोगे, 70-90% आपके पास डायमेंशन फिल्टर से ही वर्क करना रहेगा। बाकी और भी फिल्टर्स होंगे बट उनका रोल्स काफी स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में रहेगा, बट 70-90% जो मोस्ट ऑफ द यूसेज होता है उसमें आपको केवल और केवल डायमेंशनल फिल्टर्स ही काम देगा। अब डायमेंशनल फिल्टर होता क्या है, अगर मैं ऐसे बताऊं तो ये हमारा डायमेंशंस है और ये हमारा मेजर्स है। तो डायमेंशन फिल्टर मतलब आप कोई भी डायमेंशन को उठा करके उस पे आप फिल्टरिंग लगा सकते हो। जैसे ऑर्डर डेट, तो मैं पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट कर लूँ, कुछ सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँ, मतलब ये सब सारे डायमेंशंस हैं या डिस्क्रीट फीचर्स आप बोल सकते हो, उनसे उनको मैं फिल्टर करके मैं अपने विजुअलाइजेशन को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। बस मुझे ये देखना है। अब कैसे करेंगे ये, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मैं सब कैटेगरी को कॉलम्स पे ड्रैग करता हूँ और सेल्स को रोज पे ड्रैग करूंगा। एक मेरे पास ग्राफ बन गया, ये इसको मैं एंटायर व्यू कर दूंगा और फिर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट कर दी। ये सब कैटेगरी है, ये सेल्स है, ये मेरा बार चार्ट बन चुका है, कॉलम चार्ट। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे इस पे फिल्टरिंग करनी है। तो मैं फिल्टरिंग कैसे करूंगा, तो मुझे लेट्स से अगर मुझे कैटेगरी पे फिल्टर लगाना है तो मैं क्या करूंगा, कैटेगरी को उठा के फिल्टर के पेन में ड्रैग कर दूंगा। ये ड्रैग हुआ नहीं, ऐसे ड्रैग कर दिया, एक सेकेंड। ये हो गया ड्रैग। अब ड्रैग करने के बाद आपको तुरंत एक विंडो, फिल्टर विंडो ओपन होगा। यहाँ पे फिल्टर और ब्रैकेट में कैटेगरी इसलिए दी हुई है क्योंकि मैंने कैटेगरी को फिल्टर में डाला है, पर जो आप डायमेंशन डालोगे उसका, उसके लिए यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब हो गया ये जनरल। जनरल क्या हो गया कि आपको एक लिस्ट दी हुई है, फर्नीचर ऑफिस सप्लाइज टेक्नोलॉजी, आपको उसमें से क्या सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका कैटेगरी एक डायमेंशन है। डायमेंशंस में थ्री कैटेगरीज है, मतलब कैटेगरी एक डायमेंशन है और उस डायमेंशन में तीन ही वैल्यू है, फर्नीचर ऑफिस सप्लाइज टेक्नोलॉजी। ये डिपेंड करता रहेगा, स्टेट्स में बहुत सारी स्टेट्स आ जाएंगे, सिटीज में बहुत सारे सिटीज आ जाएंगे। तो अगर इस तो
ये आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे ये नहीं करना है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैं क्या करता हूँ, मैं स्टेट से करता हूँ, थोड़ा ज्यादा भी वैल्यूज दिखेगा। ये मैंने स्टेट डाला, फिर देखो कितना सारा स्टेट्स आ गया। अब या तो मैं इसको लिस्ट से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं लिस्ट से यहाँ पे या तो सिलेक्ट करूंगा, या तो मैं कस्टम वैल्यू लिस्ट बनाऊंगा। मतलब कस्टम वैल्यू लिस्ट एक टाइप का वाइल्ड का कैरेक्टर है कि कोई ऐसा टेक्स्ट डालो जिससे वो पर्टिकुलर सिटी स्टार्ट होता है, जैसे मैंने सी डाला। अगर आप इसको देख लेंगे, क्योंकि मैं देखिए अलाबामा है अगर ये, तो अगर मैं सिलेक्ट फ्रॉम यहाँ पे लिखूंगा और मैंने लिखा ALABAVAMA, तो ये अलाबामा, तो यहाँ पे ये अलाबामा आ जाएगा। तो उस टाइप से कस्टम वैल्यू लिस्ट मैं अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता हूँ। और एक है यूज ऑल, मुझे सबको यूज करना, तो मुझे कुछ भी, मैं कुछ भी यहाँ से यूज कर सकता हूँ, ये जनरल कंडीशन है मेरी। अब यहाँ पे मैं, जैसे मैंने ऑल कर दिया, मैं बता रहा हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल कर दिया, ऑल करने के बाद मैंने किया अप्लाई, और फिर किया मैंने ओके, तो यहाँ पे ये स्टेट फिल्टर आ गया। मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे शो फिल्टर करूंगा। अब ये देखिए मेरे पास आ गया ये पूरा। यहाँ पे मैं या तो ऑल पे को हटा के मैं अलाबामा देख सकता हूँ, कुछ भी, मैं मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करके यहाँ से अपना काम कर सकता हूँ। एक तो ये है, ठीक है। अब आपको कोई और फिल्टर आपको डालना है, जैसे स्टेट हो गया, फिर लेट्स से मेरे पास सिटी हो गया, तो मैं सिटी भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, और फिर मैं इसको ऑल कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा, ये सिटी हो गया मेरे पास, इसको भी मैं जाके शो फिल्टर कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद मुझे ये करना है रीजन, रीजन को भी मैं यहाँ ड्रैग करूंगा, ऑल पे सिलेक्ट करूंगा, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, रीजन पे भी मैं शो फिल्टर डाल दूंगा। सॉरी, ये क्या हुआ, रीजन वापस ऑल किया, अप्लाई किया, ओके किया, शो फिल्टर किया, ये अपना आ गया, तीन फिल्टर। तो आप कितने भी नंबर ऑफ फिल्टर यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया जनरल कंडीशन, जब भी मैं कोई फिल्टर को यूज करता हूँ, तो हो गया जनरल कंडीशन। यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करके एडिट फिल्टर भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया जनरल कंडीशन। कस्टम वैल्यू लिस्ट आप समझ गए हो क्या करना है, कि कोई भी टेक्स्ट को आप सर्च करके आप यूज कर सकते हो। यूज ऑल मतलब सबको यूज करना है एक साथ ही। तो ये एक जनरल कंडीशन हो गया हमारे पास। अब एक हो गया हमारे पास वाइल्ड कार्ड। तो वाइल्ड कार्ड कैसे हुआ, वाइल्ड कार्ड में मुझे ये देखना है कि कंटेंट्स है, मान लो सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसमें इजी होगा आपको समझने के लिए, इसलिए मैंने रीजन ही लिया है यहाँ पे। तो ये जैसे कंटेंट्स है उसको, तो मैं स्टार्ट विथ कर सकता हूँ, एंड विथ, एग्जैक्टली मैचेस, या कंटेंट्स। तो जैसे कि मैंने बोला कंटेंट्स, तो कंटेंट्स मैंने क्या लिखा है, कंटेंट्स मैंने लिख दिया जैसे एस पी, और मैंने कर दिया अप्लाई। तो मुझे यहाँ पे देखो रीजन में क्या आ गया, कंटेंट्स एस टी। जैसे मैं ओके करूंगा तो ये मुझे दिखेगा कुछ अलग ही एस टी, ये कोई रीजन है नहीं, बट मुझे दिखेगा यहाँ पे कि इसमें एस टी कंटेंट है, वैसा कोई रीजन है, तो वैसा कोई रीजन है नहीं, तो ये यहाँ से निकल जाएगा वापस से। हम जैसे यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, सेंट्रल, एंटर किया, देखो सेंट्रल से चेंज हो गया। तो ये भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रल कर लो, ईस्ट कर लो, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। वापस से जा करके मैं एडिट फिल्टर पे जाऊंगा, वाइल्ड कार्ड में यहाँ सेंट्रल देखा, कंटेंट्स ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्टार्ट्स विथ।
तो स्टार्ट्स विथ क्या? तो जैसे कि अगर वेस्ट है तो स्टार्ट विथ डब्ल्यू, और मैंने अगर अप्लाई कर दिया तो यहां पे ये डब्ल्यू के हिसाब से सॉर्ट हो गया चेयर्स, और ये पूरा तो ये डब्ल्यू के हिसाब से आ गया। यहां पे देखो रीजन में डब्ल्यू स्टार लग गया। वापस मैं जाऊंगा, एडिट फिल्टर करूंगा, मुझे अगर, हाँ अगेन मैं वाइल्ड कार्ड में देख रहा था, तो एंड्स विथ भी आप कर सकते हो, एग्जैक्टली मैचेस भी कर सकते हो एंड्स विथ में, जैसे वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एस टी आप डाल देंगे सिंपल, और फिर आप कर देंगे अप्लाई, और यहाँ पे एक्सक्लूड और इंक्लूड भी कर सकते हो। अगर आपको एस टी से एंड होने वाला कोई भी रीजन को अगर एक्सक्लूड करना है, तो यू हैव टू सिलेक्ट ऑन दिस, और यहाँ पे आप ओके कर दोगे, तो विथ रेस्पेक्ट टू एस टी जो है ये दिख रहा है यहाँ पे, फोन्स चेयर्स इस टाइप से। तो ये हमारा हो गया वाइल्ड कार्ड। वैल्यू आप मैच कर सकते हो एस टी में, आप देख लो एस टी में फोन्स जो है, एस टी में फोन्स, अब मैं बस बता रहा हूँ उसको वैलिडेट करने के, फोन का सेल्स है 199,299, ठीक है, आप याद रखो ये फिगर, मैं एडिट कर दूंगा। और देखो एस टी क्या क्या आएगा, ईस्ट और वेस्ट आ जाएगा, ठीक है, बट अगर मैं वाइल्ड कार्ड में जाके स्टार्ट विथ अगर मैं डब्लू कर दूंगा यहाँ पे, और अप्लाई करके ओके कर दूंगा, देखो चेंज हो जाएगा 101781, क्यों, कोई भी रीजन जिसका डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे वेस्ट पे, वेस्ट ही एक ऐसा रीजन है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम वाइल्ड कार्ड को यूज कर सकते हैं, स्टार्ट विथ एंड विथ एग्जैक्टली मैचेस कंटेन्स। अब कंटेन्स में देखो, कंटेन्स में और चेंज हो जाएगा, कंटेन्स मतलब ऐसा रीजन जिसमें कुछ कंटेन्स हो, जैसे एस टी एक कंटे, एस टी वी वेस्ट और ईस्ट में कंटेन्स है, तो अगर मैं अप्लाई करूंगा ये देखो फोन फिर से 199,299 पे आएगा, क्यों, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट दोनों में एस टी कंटेंट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ये हुआ आपका कंडीशनल फिल्टर, सॉरी वाइल्ड कार्ड फिल्टर्स। अब अगेन मैं जाके इसको एडिट फिल्टर करूंगा, अब हमने वाइल्ड कार्ड फिल्टर भी देख लिया, जा करके अब हम इसको ऑल पे रख देंगे, यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट है ही है, वाइल्ड कार्ड भी हो गया। अब आ गया हमारे पास कंडीशन की फिल्टर, ये जो हमारे पास कंडीशन फिल्टर्स है, जो हम लोग, हमने देखा रीजन्स, रीजन के फिल्टर पे जाके, जो कि कंडीशन फिल्टर है, और टॉप फिल्टर्स बचे हैं हमारे पास, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू।